हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पीजीटी होम साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारा अभी हुआ था लास्ट 2 दिन पहले। इसकी आंसर की ऑफिशियल आ गई है, फर्स्ट आंसर की, उसको भी मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है। इसमें कौन से क्वेश्चंस में डाउट है जिन पर हम लोग अपना चैलेंज अपलोड कर सकते हैं आयोग को, और कौन कौन से आंसर इन्होंने सही माने हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये जो पेपर है पीजीटी का, इसके जो सारे ही आंसर्स हैं उनमें मुझे जो 2 से 3 क्वेश्चंस लग रहे हैं जिनमें कि आयोग के आंसर्स गलत हैं, उनको हम बाद में देखेंगे, और जो कट ऑफ है वो आपकी बाद में वीडियो पर अपलोड कर दी जाएगी। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। मेरे पास डी सीरीज है, आपकी जो भी सीरीज हो उसको अकॉर्डिंग आप चेक करते जाइएगा, क्योंकि आंसर की मैंने चैनल पर दे रखी है, कम्युनिटी पर दे रखी है, तो वहां से आप अपनी सुविधा के अनुसार आसान से चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो वीडियो के साथ में भी चेक कर सकते हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई हो तो आप पूछ लीजिएगा, साथ में ही वीडियो के लास्ट में सभी लोग बताएंगे अपनी कैटेगरी, और आपने बालक का बालिका वर्ग किस में भरा था वो, और कितने मार्क्स है, जिससे कि हम लोग कट ऑफ का भी एक रेंज आसानी से पता लगा पाएंगे। टीजीटी और पीजीटी दोनों का ही हम वीडियो अपलोड कर देंगे कि कितनी कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पहले कि ये हम डी सीरीज का है, तो पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कौन सी है, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि ये सारे ही पार्ट्स इसमें होते हैं, तो डी ऑप्शन आयोग ने करेक्ट माना है। सेकेंड है आपका हार्डनेस क्या है, मतलब हार्डनेस क्या है, इट इज अ फ्रेम ऑफ लूम, लूम का फ्रेम होता है हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू प्रोवाइड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय, ये निकल एंड डॉर्सी ने दिया हुआ है, आयोग ने इसको करेक्ट आंसर माना है। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट कमेटी ऑफ हेल्थ इन इंडिया वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1946 एंड इट इज नोन एज भोर कमेटी, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, मैंने जब आपको टीजीटी की प्रिपरेशन कराई थी, पीजीटी की मैं अभी रिविजन नहीं कराया, बट प्रिपरेशन में भी मैंने आपको बताया था कि ये काम भोर कमेटी के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 5 पर आते हैं। जो जो क्वेश्चन देखिए मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं उनको आपको जरूर यहाँ पर डिस्कस करूंगी कि हमने यहाँ पढ़ा हुआ था, तो हमारा कितने पढ़े हुए में से क्वेश्चंस आए वो भी देखेंगे। द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हम लोगों ने पीजीटी की प्रिपरेशन की थी तब पढ़ा था, क्वेश्चन इसका सी करेक्ट है, 5th का आंसर। उसके बाद आता है द क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस सीक्रिएटेड इन नॉर्मल एडल्ट मे बी रेंज इन 1500 से 2500, इन्होंने बोला है जो ऑन एन एवरेज हम पढ़ते हैं वो हम 1500 ml पर डे पढ़ते हैं, तो 1500 आपका 1000 वाले में भी आ रहा था, और आपका ए वाले जो 2500 वाला जो ऑप्शन है ए और बी दोनों में आ रहा था, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है इसमें हुआ हो, और इसीलिए आपका आंसर इनकरेक्ट हो सकता है, तो लेकिन आपका यहाँ ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर है आपका ये है अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट, तो कितने एक मिनट में कितनी बार श्वास लेता है, तो देखिए 72 टाइम्स तो हमारा हार्ट बीट करता है, 18 टाइम्स हम लोग रेस्पिरेट करते हैं, तो ये आपका एक क्वेश्चन है जो जिसमें अगर किसी ने एट अ ग्लांस देखा होगा तो जैसा कि यहाँ पर हुआ है तो वो भी आपका गलत हो गया होगा, अदरवाइज 18 इज करेक्ट आंसर। फिर है द डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल्स अबाउट 7 माइक्रोमीटर, अभी हमने रिसेंटली जो ब्लड वाली वीडियोस को अपलोड किया था वहां पर भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट जो हैं इनमें दो दिए हुए, तीसरा कौन सा है, देखिए बहुत जो आपका 9th वाला क्वेश्चन है और 1st वाला क्वेश्चन है दोनों एक दूसरे के पूरक है, बहुत आसानी से आप दो क्वेश्चन से नंबर गेन कर सकते थे, क्योंकि एक में एक पार्ट दे रखे एक में एक, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते थे, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर तो आपका किसी का गलत हुआ ही नहीं होगा, 1st और आपका 9th वाला क्वेश्चन, आई एम डैम श्योर। फिर है आपका दिस मेथड प्रोवाइड वाटर कनेक्शन टू सब डिविजन ऑफ पाइप इन द मोहल्ला, जो मोहल्ले होते हैं वहां पर जो उपशाखाओं से पानी दिया जाता है वो ट्री सिस्टम से दिया जाता है। देखो एक पहले मेन लाइन पाइपलाइन आती है, उसके बाद वो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और मोहल्ले में लोगों के घरों तक जाती है, तो ये ट्री सिस्टम में होता है। पेड़ में भी तो एक स्टेम आती है, उसके बाद वो सब जो ब्रांचेस होती है उसमें डिवाइड हो जाती है, ये इसी में आता है। अगर आप ग्रिड देखेंगे या फिर आप रिंग देखेंगे या रेडियल देखेंगे तो इनमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनमें कई लोगों ने हो सकता है रेडियल लगाया हो, लेकिन ट्रीज का करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है आपका द हाई ब्लड प्रेशर कैन एसोसिएट विद किडनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर कब होता है, जब आप सोडियम ज्यादा लेते हो, सोडियम आप ज्यादा लेते हो तो आपकी किडनी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो कई लोगों ने जो मतलब आसपास हमारे एग्जाम्स दे रहे थे उन्होंने बोला कि ये आपके नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर तो सी है, आपकी किडनीज को इफेक्ट करेगा, क्योंकि किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा प्योरीफाई करने के लिए, वाटर रिटेंशन ज्यादा रहेगा, सोडियम ज्यादा होगा तो हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, तो
कई सारी चीजें आप एसोसिएट कर सकते थे, कई चीजें कनेक्शन से भी सॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द हार्मोन दैट रेगुलेट स्पर्म स्पर्म मेटोजेनेसिस, तो ये आपका है एंड्रोजन। एंड्रोजन के थ्रू, वैसे देखिए ये टेस्टोस्टेरोन के थ्रू होता है, बट यहाँ पर एंड्रोजन जो है वो मोस्ट सुटेबल रहेगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13, फॉर प्रिंटिंग ऑफ 500 मीटर्स टू 5000 मीटर क्लॉथ विच मेथड ऑफ प्रिंटिंग इज सुटेबल। ठीक है, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी में भी क्वेश्चन साइड में दिया हुआ है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी मास्टर्स कर रहे होंगे और नेक्स्ट टाइम पर अटेम्प्ट करेंगे उसको, तो उन वो भी पेपर को देख लीजिए, क्योंकि आगे की प्रिपरेशन हमें शुरुआत से करनी होती है। ऐसा नहीं है कि जब विज्ञप्ति आएगी हम तभी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो आपका इसमें स्क्रीन प्रिंटिंग में हो सकता है। देखिए बाटिक में इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बाटिक इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस जिसमें आपको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना होता है। ब्लॉक प्रिंटिंग में भी आप ऐसा नहीं कर सकते, और लेकिन स्क्रीन प्रिंटिंग जो है वो आपकी, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी स्क्रीन प्रिंटिंग की, तो वो मशीन्स जो है वो आपके यार्ड्स और यार्ड्स फैब्रिक को ऐसे ही प्रिंट करते हैं। तो आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट आपका है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय कार्पस ल्यूटिन, ये हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था, हमारा उसी में से पेपर आया है। फिर आपका आता है अप्रोक्सीमेटली एट व्हाट एज चिल्ड्रन स्टार्ट कंट्रोल ओवर देयर ब्लैडर एंड बोल, तो मुझे जो याद है वो आपका 2.5 साल से तक होता है, लेकिन उन्होंने 2 साल माना है अब इसका, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर आपके पास कोई प्रूफ हो कि कितने टाइम से आपका ये मलाशय पर नियंत्रण प्रारंभ हो जाता है, अगर आपके पास पर्टिकुलर किसी बुक में इसका प्रूफ हो, तो आप जरूर मुझे टेलीग्राम पर शेयर कीजिएगा। बट मैंने जितना पढ़ा हुआ है और मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, इसका 2.5 साल आंसर होना चाहिए, बट 2 साल इन्होंने सी ऑप्शन करेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ मसल्स नेसेसरी फॉर बॉडी बैलेंस इज डन बाय सेरिबेलम, जो हमने पढ़ा था अभी रिसेंटली, तो हमने देखा था कि देखिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि बेलन से हम क्या करते हैं, रोटी को बैलेंस करते हैं, बनाते हैं, तो इसी तरीके से सेरिबेलम क्या करेगा, बैलेंसिंग का काम करेगा। एक छोटी सी ट्रिक के थ्रू मैंने आपको बताया था जब हम लोग रिवीजन कर रहे थे, तो 16 का सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है आपका जो विच फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन द मदर्स मिल्क, तो ये आपकी जो उषा मिश्रा की बुक है आहार एवं पोषण, उस पर पेज नंबर 80 पर दिया हुआ है लैक्टो एल्ब्यूमिन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि कई जगह पर जो यूट्यूबर्स हैं वो आपको केसीन बता रहे हैं, मैंने जेन्युइनली स्पीकिंग मैंने भी उन लोगों को देखा था, मैंने कहा एक बार चेक करते हैं कि ये लोग क्या आंसर्स बता रहे हैं, बट बहुत गलत आंसर्स थी। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, जो ऊपर का रक्तदाब जो 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 प्रकुंचन वाला होता है वो आपका हमें पता है 120 करीब होता है, तो इसमें सही मोस्ट सुटेबल आपका 110-125 है। फिर है आपका द ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यूज, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, हमने ये बात को 18-19 दोनों पढ़े हुए थे। विच एंटीजन इज प्रेजेंट इन ओ ब्लड ग्रुप, ये हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी नहीं होता है, मैंने आपको सारे ब्लड ग्रुप पढ़ाए थे, तो ये भी क्वेश्चन हमारा पढ़े हुए से आया है। फिर आपका है द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर शुड ईट डाइट विद लो सोडियम, अभी अभी मैंने आपको बताया था हाई ब्लड प्रेशर में हम लो सोडियम लेंगे, तो ऑप्शन 21 का ए करेक्ट जाएगा। 22 है आपका द ग्रुप ऑफ टिश्यूज फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड लाइनिंग कैविटी, तो ये आपका एपिथेलियल उपकला ऊतक कहते थे, कार्टिलेज करेगा नहीं, ये आपका जॉइनिंग का काम करता है, कार्टिलेज बोन टू बोन को ज्वाइन करता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यूज आपके वसा के ऊतक हैं, फाइब्रस टिश्यूज होते नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 23, विच वन इज कॉमन इन आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, न्यूक्लियस और जो प्रोटोप्लाज्म है ये इनमें सेम या समान रूप से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रोथ हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय, ग्रोथ हार्मोन आपका एड्रिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा होता है। देखो बेसोफिल्स आपकी ब्लड में आती हैं, आपका हाइपोथैलेमस जो है वो एक बॉडी का पार्ट है, और आपका मिड ब्रेन जो है वो इसको काम करता नहीं है, तो आपका जो हार्मोन पूछा है तो स्पेसिफिकली हार्मोन आपका बी वाला ही है, ये भी आपका अदर यूट्यूबर्स के थ्रू गलत आंसर बताया गया था। नेक्स्ट है आपका द टाइप द पीरियड ऑफ वन कार्डिक साइकिल इज 0.8 सेकंड्स, ये हमने पढ़ा हुआ है, हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था, 25 का भी ऑप्शन करेक्ट है। 26 पर आते हैं, द फिल्टर नोन एज इंग्लिश फिल्टर, ये मैंने कभी नहीं पढ़ा, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, बट आंसर है इसका स्लो सेंट फिल्टर होता है, जो इंग्लिश फिल्टर हम जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जैगनबर्ग मशीन जो है वो
किस लिए यूज़ की जाती है, ये डाइंग के लिए यूज़ की जाती है। मैंने जब इसको गूगल किया, जेनरली मैंने इससे पहले नहीं पढ़ा था इस मशीन के बारे में, तो उसमें आपकी फिनिशिंग भी आ रही थी और डाइंग भी आ रही थी। तो लेकिन गूगल का शायद प्रूफ नहीं मान्य हो, इसीलिए इसका सही आंसर बी ही हम मान लेते हैं यहाँ पर। फिर है आपका 28, नर्व्स विच आर अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल स्टिमुलस आर सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स, क्योंकि जैसे तेज प्रकाश आता है हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, गर्म चीजों को टच करते हैं तो हमारे हाथ पीछे हो जाते हैं, तो ये सेंसरी नर्व्स हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाइन 29, विच वन इज हेल्पफुल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो फाइब्रिनोजन करता है, ये तो हम सबको पता है, थ्रोम्बोसाइट फाइब्रिनोजन ही हम पढ़े हुए हैं। फिर है अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ये ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकेमिया में हम ये भी टर्म को पढ़े हुए हैं, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको चीजें याद आए कि हाँ हमने ये पढ़ा हुआ था। विच वन इज द हॉटेस्ट कलर अकॉर्डिंग टू प्रैंक, प्रैंक कलर थियरी हमने पढ़ी हुई है, साथ में हमने विबग्योर के बारे में भी पढ़ा हुआ था, तो आपका आंसर ये गलत ही नहीं हो सकता है। कंट्रोल ये कॉन्टेक्ट विद रेडियो एंड दूरदर्शन, ये क्या है, मास कॉन्टेक्ट से, मैंने लाइव क्लासेस में आपको ये टॉपिक पढ़ाया था। विच मेथड इज नॉट कंसर्न विद डिस्पोजल ऑफ वाटर वेस्ट वाटर, तो इसमें है गड्ढा भरना। देखिए गड्ढे भरने में क्या होता है, कूड़ा डालते हैं, कूड़े को डिस्पोज करते हैं, लेकिन डाइल्यूशन भी नहीं होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन में भी मुझे डाउट है, अगर आपके पास इसका कोई प्रूफ हो तो मुझे बताइएगा। 33 का फिलहाल आंसर आपका आयोग की तरफ से बी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। मोयरिंग इज प्रोसेस बाय, ये किसके थ्रू, हॉट रोलर्स के थ्रू की जाती है। हमने अभी रिविजन किया था रिसेंटली TGT में, तब मैंने आपको मोयरिंग पढ़ाया था। कैलेंडरिंग के जैसी होती है ये, जिसमें हॉट रोलर्स के थ्रू निकाल देते हैं, वेवी स्ट्रक्चर आ जाता है, ये वो वाला है। फिर है आपका इन वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एयर। तो ये आपका 1600 क्यूबिक CM है, ये भी हमने आपका प्रीवियस पेपर पेपर में भी सॉल्व किया था और कंटेंट में भी देखा था। फुलकारी पंजाब की है, ये तो कुछ देखने वाली चीज ही नहीं है। का आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड विद अ लिमिटेड एरिया एंड ड्यूरिंग अ लिमिटेड पीरियड इज नोन एज एंडेमिक। देखिए पेंडेमिक होती है जब वैश्विक महामारी होती है, जब पूरे विश्व में फैलती है। एपिडेमिक किसी महामारी को कहते हैं, जब किसी पर्टिकुलर स्थान पर कोई बीमारी फैलती है तो वो स्थानिक होती है। तो आपने अगर हिंदी का भी टर्म देख लिया होगा तो भी आसानी से हो गया होगा। 38 का सी आंसर करेक्ट है। 39, फाइलोडर्मा, अब ये वाले क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि असेंशियल फैटी एसिड के कारण भी होता है और विटामिन ए के कारण भी होता है। तो इसमें आपका 39 का बी और सी दोनों हो सकते हैं, लेकिन बी इसीलिए ज्यादा सही है क्योंकि यहाँ पर विटामिन ए को इन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर हम इसका प्रूफ देंगे विटामिन में विटामिन ए का, तो शायद आयोग मान ले। फिर है प्लाज्मा की प्रोटीन कितनी होती है, तो 7% होती है ये, और इसलिए ब्लड का 55% क्रिएट करती है। किंडरगार्टन फ्रोबेल ने किया था, अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है। आउटर मोस्ट लेयर जो है आई की, वो आपकी स्क्लेरा होती है, श्वेत पटल जिसे हम कहते हैं। फिर है आपका फैक्टर दैट डायरेक्टली अफेक्ट द इंटीरियर ऑफ हाउस, जो है आपका स्ट्रक्चर है, और साइट भी होता है कि आपके मकान का स्थान क्या है, किस तरह है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किधर साइड की फेसिंग है, उसी हिसाब से आपके कमरों में लाइट आती है, आप उसी हिसाब से उसमें पेंट करते हैं, लाइट के अरेंजमेंट करते हैं। जिस कमरे में ज्यादा अंधेरा रहेगा, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, वहां ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ेगी, तो आपका साइट भी करता है। लेकिन रिटर्न फॉर्म में कोई भी वो नहीं है हमारे पास प्रूफ, तो ऑप्शन आपका 43 का ए करेक्ट यहाँ माना है, लेकिन आपका करेक्ट यहाँ पर सी होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीजें अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू हरलॉक इन्फेंसी, 0 to birth 2 आपकी 2 years होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि में क्या प्रयोग नहीं किया जाता है, तो चारकोल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपका है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मेथड कौन सा है, तो ये प्लीनम सिस्टम के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लो प्रोटीन डाइट किसमें, देखिए देखिए मेल न्यूट्रिशन है तो प्रोटीन कम हुआ है तो इसमें तो हाई देंगे। एक्यूट फीवर में भी आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो भी आप इसमें हाई प्रोटीन देंगे। वेट जब कम होता है तो भी प्रोटीन को बढ़ाते हैं हम, तो जॉइंटिस बचता है आपका एलिमिनेशन मेथड से भी अगर आप करें, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक 1 डिग्री फॉरेनहाइट बढ़ने पर 7% आपकी जो आधारीय चयापचयी जो दर है वो बढ़ जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा है, 48 का भी ऑप्शन करेक्ट है।
ये है, इसमें आपसे पूछा है कि किसमें प्रतिरोध विधि की यूज की जाती है, तो बाटेक में की जाती है, हम उसमें वैक्स वगैरह लगाते हैं, बाटेक में तो प्रतिरोध विधि है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम देयर इज अ फ्लूड, उसे हम क्या कहते थे कि पेरिकार्डियम है उसके बीच में है तो पेरिकार्डियल फ्लूड ही तो होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है और हम इसको पढ़ भी चुके थे। क्वेश्चन, डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव को हम क्या कहते हैं, जब जिसमें हम उद्देश्यों को विकास कर रहे होते हैं तो वो प्लानिंग होती है, इसको हमने लाइव क्लासेस में सॉल्व किया था। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसैकेराइड, तो ग्लूकोज होती है, ये तो हम बहुत अच्छी तरीके से कई कई बार कर चुके हैं। द हार्ट इज डिवाइडेड इंटू द राइट एंड द लेफ्ट साइड बाय द स्पेक्ट्रम विच इज कम्पोज ऑफ मायोकार्डियम एंड डैश टिश्यूज, किसके द्वारा, देखिए मायोकार्डियम उसमें भी कार्डियम आ रहा है और एंडोकार्डियम में भी कार्डियम आ रहा है, तो आप इसको, अगर आपको आंसर आता भी नहीं था तो आप इस लिंक से कर सकते थे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। फिर है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज फाउंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बर्थ टू 2 ईयर्स, पियाजे की थियरी है, ए ऑप्शन सेंसरी मोटर करेक्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड क्या है, इसमें सारी ही आएंगी, आपका प्री स्कूल है, प्री स्कूल है आपका, प्री गैंग एज है, क्यूरियोसिटी है, ये सारी चीजें चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड में देखी जाती हैं, हमने अभी रिसेंटली रिवाइज किया था। विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, रिसेंटली पढ़ा हुआ क्वेश्चन है हमारा। कॉन्स्टिपेशन कॉज ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम नोन एज एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन, इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म जो है वो इसमें उन्होंने आंसर आरएनए बताया है, 58 का ए। फिर है आपका जो वैसोप्रेसिन इज नोन एज एंटी ड्यूरेटिक हॉर्मोन, देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पीछे दिया हुआ है इसी इसी वैसोप्रेसिन से, तो आप वहां से कनेक्ट करके करते तो ये आंसर आपका गलत नहीं होगा, आपका सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हम एक दूसरे से कनेक्ट करके कर सकते थे, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आप पेपर को सॉल्व करने के बाद में लास्ट में आंसर्स को भरे, कई कनेक्टेड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। द डाइजेस्टिव जूस विच कन्वर्ट अंडर डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट एंड डाइसेक्राइड, तो आपका ये एमाइलेज इसका काम करता है, 60 का ए ऑप्शन करेक्ट है। एवरी सेल इन बॉडी हैज न्यूक्लियस विद द एक्सेप्शन ऑफ, ये है आपका प्रौढ़ लाल रक्त कणिका, यानी कि जो मेच्योर एंथोसाइट्स होती हैं। देखिए आपकी जो आरबीसीज हैं वो चाहे मेच्योर्ड हो या इमेच्योर्ड हो, उन सभी में न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब नहीं होता, तो 61 का भी ऑप्शन करेक्ट है। वॉर्म्थ ऑफ द वॉर्म्थ और कूलनेस ऑफ कलर क्या है, ये ह्यू कह रहे हैं, ह्यू तो जो आपका है वो होती है आपकी पर्टिकुलर कलर को कहते हैं, तो वॉर्म्थ और कूलनेस तो आपकी वैल्यू में आती है, तो ये क्वेश्चन आपका डाउट का है जो कि गलत है, इसके ऊपर आपत्ति दी जा सकती है। क्वेश्चन 63 है आपका, इन नॉर्मल कंडीशन नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड आर 6000 से 8000 होती है, अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था ब्लड वाला टॉपिक, देखिए ब्लड टॉपिक में से कितने सारे हमारे क्वेश्चन आ गए जो हमने बिल्कुल अभी रिविजन में लिया था। विच वन इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, तो स्पेस नहीं होता है, बाकी आपके हैं, ये पड़ा हुआ है क्वेश्चन। फिर है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल डाई, सल्फर डाई नहीं है, बाकी तो आपकी नेचर से ही मिलती है। विच अमीनो एसिड इज एबसेंट इन पल्स, मिथायोनिन पड़ा हुआ है कि जो सीरियल्स होते हैं, मतलब जो हमारे टीवी में सीरियल्स चलते हैं उनमें सब लाई लाई दिखाया जाता है, झूठ दिखाया जाता है, तो उनमें लाइसिन नहीं होता है, और जो आपके दालें होती हैं दालों में मिथ, मतलब दालों के साथ कई सारे मिथ होते हैं, तो उनमें मिथायोनिन एबसेंट होता है, इस ट्रिक के साथ में मैंने आपको ये बताया था। द डैश इज द सम ऑफ द सेपरेट स्कोर ऑफ मेजर डिवाइडेड बाय द नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर है मीन। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि आपका स्टैटिस्टिक से एक ही को, एक हार्डली दो क्वेश्चन आएंगे पर एक ही आता है, तो आपका 617 एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, मीन आंसर है। लाइफ ऑफ अ पर्सन बिगिंस फ्रॉम द कॉन्सेप्शन से ही शुरू हो जाती है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। फिर है मास कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग इज, इन सारी चीजों से आप कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट फॉर द नियो न्यूमोक्लियोटिस ऑफ विटामिन, तो विटामिन का नाम नाइट्रोजन के कारण दिया हुआ है, ये भी हमने पढ़ा हुआ था, और नाइट्रोजन जो आपका विटामिन है वो फंक ने दिया है, जब ये हिस्ट्री पूरी पढ़ी थी तब तो हमने ये क्वेश्चन को देखा था। फिर है होल ग्रेन में कौन सी विटामिन बी होती है, तो ये फंक ने ही बताया था, 71 और ये 70 क्वेश्चन दोनों कनेक्टेड है।
फिर है परफेक्ट मार्केट, पढ़ चुके हैं हम इसका, 72 का बी ऑप्शन करेक्ट है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो अमीबा होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है 73। 74 पर जाते हैं, द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ हैंड प्रिंटिंग क्या है, ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। रेन, एसिड रेन जो है वो आपका एग्यूम स्मिथ ने किया था। और स्मॉल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। विच इज प्रेजेंट इन द हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रम, तो कोलेस्ट्रम जो है वो माता के पहले पीले काले दूध को कहते हैं, जो कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी को और उनकी आईसाइट के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने बहुत कई बार बताई है ये बात, और इसका वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विटामिन ए होता है उसमें। टू इम्फेसिस द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, हम स्पॉटलाइट को यूज करते हैं, अगर आपने थिएटर में देखा होगा, जो थिएटर जिसमें आपके नाटक वगैरह होते हैं वहां पर मूवीज में, तो स्पॉटलाइट को यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट करने के लिए। या फिर आप वेडिंग्स में देखते हैं कि ग्रूम को या फिर ब्राइड को एंट्री के टाइम पर स्पॉटलाइट यूज की जाती है। तो 78 क्वेश्चन आप ऐसे रिलेट करके भी कर सकते थे। द हु कंसिडर्ड, ये जो डेफिनेशन है किसने दी है, ये धामा, ओपी धामा ने दी है। और फिर उसके बाद है थाइमस ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, आपका लिम्फोसाइट में थाइमस ग्लैंड हेल्प करती है, ठीक है। फिर है इसमें स्टिचिंग के लिए कौन सी आपकी सुई होनी चाहिए, तो 16 नंबर बताई है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आपकी मॉइस्चर टेस्ट आपका कॉटन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो एस्बेस्टस है, रेयन है और ग्लास फाइबर्स है, ये सभी आपके मतलब ओलिफिलिक होते हैं, ओलिफिलिक नहीं मतलब जो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो कॉटन बचता है और कॉटन की तो एब्जॉर्बेंसी वैसे भी हाई होती है, तो इसी के साथ टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन 83, वॉलेंटरी नर्व सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका जो करेक्ट, देखिए वॉलेंट, अगर आप 12th क्लास की जो बुक है उसमें देखेंगे नर्व्स के बारे में, तो वहां पर आपकी वॉलेंट्री नर्व्स में आपकी अनुकंपी परानुकंपी दोनों आती हैं। आप उनको एक बार चेक कीजिए अपनी बुक में, 12th क्लास की जो मेरे पास अभिनव की बुक है उसमें पेज नंबर 206 पर दिया हुआ है कि ये दोनों ही आपके होते हैं। लेकिन आंसर जो 83 का करेक्ट आयोग ने माना है वो ए माना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किस तरीके से आंसर दिया है पता नहीं, पर हम इसके लिए चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेफड़ों का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेशन कहते हैं। और 84 का बी ऑप्शन करेक्ट है, फॉर ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स ऑफ इन्फेंट, ये आपका मतलब जो शिशु के उच्च पोषण के लिए किस वसी अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है, तो लिनोलिक होती है, हमने पढ़ा हुआ है ये। फिर है शरीर की वह संस्थान जो कि रक्त की को शरीर के लघुत्तम इकाई तक पहुंचाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये चीजें होती हैं। फिर है देयर आर डैश ऑक्सीजन बाइंडिंग, तो आपका ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस काफी पुरानी वीडियोस में पढ़ाया है, रिसेंटली रिविजन में भी लिया था, बहुत अच्छे से समझाया था कि एक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर चार आपके आयरन होते हैं और उन चारों पर एक 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 ऑक्सीजन का बॉन्ड लगा हुआ होता है। तो मैंने जब आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया था तब 87 का ये 4 ऑप्शन करेक्ट है, ये आपने अगर ये देखा होगा तो याद होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कहाँ पर थे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पार्ट ऑफ आउटर स्किन विच वी सी ऑन द टॉप, ये आपकी कौन सी होती है, शल्क स्तर होता है आपका, स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है। नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में, बहुत बार पढ़ा हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। फिर है आपका बैक्टीरिया फर्मेंटेशन के लिए कौन सा यूज होता है, तो इसमें करेक्ट आंसर इन्होंने बोला है स्ट्रेप्टोकोसिस होता है, बल्कि स्ट्रेप्टोकोसिस आपका कोशिका विभाजन के लिए यूज किया जाता है। तो कोशिका विभाजन आपका फर्मेंटेशन में भी हो रहा है, तो आपका 1990 का ये आंसर करेक्ट है। फिर है आपका थिकनेस एंड फाइननेस ऑफ यार्न क्या है, तो इन्होंने स्कैन बताया है, ऑप्शन सी करेक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू मी ए होना चाहिए। उसके बाद है समरूपी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो इसका 92 का बी सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। फंक्शन ऑफ टेस्टिस क्या है, दोनों होते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन भी और टेस्टोस्टेरोन का भी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट स्टेप क्या है, सेटिस्फेक्शन है आपका। फिर उसके बाद है ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन का लेवल क्या होता है, 7.4 to 8.0 पीएच होता है। द रिक्वायरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज हाई ड्यूरिंग दी
टाइफॉइड फीवर। तो टाइफॉइड फीवर में क्या होता है कि आपके डी ऑप्शन करेक्ट हो है, क्योंकि इसमें आयरन की जरूरत होती है, आपकी जो ब्लड सेल्स हैं वो आपकी डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए हमें आयरन की जरूरत पड़ती है। तो 96 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं 97 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ स्टडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बहुत ईजी है, बुक मेथड नहीं है। बुक मेथड किसी को भी किसी भी चीज़ को पढ़ने का नहीं हो सकता है होम साइंस में, क्योंकि होम साइंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हॉर्मोन दैट कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, ये ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। ऑक्सीटोसिन हमारा जो मिल्क सिक्रेशन है उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है आपका एन एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। स्पेशल प्रेफरेंसेस गिवन टू फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलापन होना चाहिए। अब ये ए बी रावण, शबनम और वुफ है हवा, ये किसके टाइप है? तो ये मसलिन ऑफ ढाका के हैं, ये ढाका से है। ढाका से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका टीजीटी में भी आया था। लास्ट हमारे 25 क्वेश्चन बचे हैं। योग्यता क्या है? ह्यूमन रिसोर्स दैट कैन नॉट बी ट्रस्ट बाय एनीवन, जो आपकी खुद की होती है, तो एबिलिटी है वो। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन इज फंक्शन ऑफ, ये आपका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। फिर है आपका जो लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं वो ऑन ग्रेन होते हैं, तो 103 का ए ऑप्शन करेक्ट है। विच पीरियड इज कॉल्ड स्टेज ऑफ स्ट्रेस्ट्रोम, तो एडोलेसेंट की है ये। 104 का सही ऑप्शन सी है। 105 क्वेश्चन है आपका परसेंटेज ऑफ वाटर इन सलाइवा, तो 99% होता है, तो 99.27 आपका करेक्ट आंसर होगा। 106 क्वेश्चन है आपका डैश इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल एवरी मिनट, तो इसे हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। द नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1978। बेसिक डाइज जो है वाटर में घुलती हैं। इन एडल्टहुड रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्मड इन बोन मैरो, ये हम क्वेश्चन पढ़े हुए आए हैं 108 भी और 109 भी। आपका सिंथेटिक डाई जो है वो आपकी विलियम हेनरी पार्किन ने की थी, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा था। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लैरिंग्स, तो ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 113 ये इसमें कितना लीटर आपका जो कितना यूरिन 24 घंटे में बनता है, तो 1.5 लीटर पढ़ा हुआ क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मेथड ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन में, ये कौन सा यूज होता है? तो फेल्ट मेथड होता है, जब आप डायरेक्ट फाइबर से और फैब्रिक को बना देते हैं, इसमें आप अधेसिव यूज करते हैं, फाइबर्स लूज फाइबर्स होते हैं और प्रेशर को यूज करते हैं। क्वेश्चन 115 इन प्रोक्सिमोडिस्टल में आपका स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होता है, बीच से शुरू होता है, सुषुम्ना नाड़ी से, ठीक है। जरी वर्क आपकी बनारस की है, मोस्ट रेलिवेंट यही रहेगा क्योंकि है तो उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश से जो मोस्ट रेलिवेंट आ रहा है वो आपको बनारस आ रहा है। 117 क्वेश्चन, व्हेन क्लोथ आर डाइड इन फाइबर स्टेज, तो इसको हम स्टॉक डाइंग कहते हैं, ये भी हमने डिवीजन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करके पढ़ा हुआ है। 118 का क्वेश्चन, मेक द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस, तो वो आपका एंडियोकार्डियम होता है। डाइट रिकमेंडेड इन पैप्टिक अल्सर, तो आपको ब्लेंड डाइट देनी चाहिए। एट वॉट स्टेज देयर इज अ फीलिंग ऑफ सेक्शुअल ऑपोजिशन, तो ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है, हमने ये रिसेंटली पढ़ा था अभी कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे जो है उनको ऑपोजिट सेक्स से कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, तो ये आपका अर्ली चाइल्डहुड में देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ब्रेन जो है वो कब मैच्योर होता है, तो 6 to 8 years इसमें बताया है, जहां तक मुझे याद है मैंने कहीं पर 2 से 4 साल पढ़ा था, बट करेक्ट आंसर आपका 6 से 8 साल है, क्योंकि 95% आपका 6 to 8 years तक डेवलप हो जाता है। उसके बाद है आपका वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज मेजर्ड बाय द स्पैरोमीटर, क्योंकि आपका स्फिग्नोमीटर ब्लड प्रेशर के लिए है, बैरोमीटर होता नहीं है, थर्मामीटर आपका टेम्परेचर देखने के लिए, तो स्पैरोमीटर आता है। फिर आपका ये जो ANP है वो आपका यूनिसेफ के थ्रू रन किया जाता है। द मेथड ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सीवेज प्योरिफिकेशन क्या है, तो इन सारे ही मेथड से किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ सॉफ्ट डाइट, तो सूप, सूप जो है वो लिक्विड डाइट में आता है। तो 125 तक क्वेश्चन हमने सारे सॉल्व किए। देखिए RDA का कोई क्वेश्चन नहीं आया है इसमें, और कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं, किस कैटेगरी से हैं आप, जनरल OBC वगैरह ये लिखिएगा, बालक बालिका वर्ग का लिखिएगा, और अपने मार्क्स बताइएगा। इससे हम एक कट ऑफ का अंदाजा लगा के आपको इवनिंग पे एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें आपकी TGT और PGT दोनों की ही कट ऑफ का सही पता चलेगा कि कितनी कितनी आपकी जा सकती है।
फिलहाल आई होप आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। मुझे लगता है कि पेपर एनालिसिस करके कि ये पेपर आपका टफ, मॉडरेट टू टफ के बीच में था, बहुत मतलब इजी भी नहीं कह सकते, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बट मॉडरेट टू टफ के बीच में था। बाकी जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है वो उन लोगों को बहुत काफ़ी डिफिकल्ट लगा होगा, क्योंकि पीजीटी का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। जिन भी आपके पास जिनके भी क्वेश्चंस के डाउट्स के प्रूफ्स हैं वो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। आपने देखा कि हमने जो पढ़ा था उसमें से 60-70% क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर में आए हैं। अगर आप कंटेंट परचेज करना चाहते हैं, नोट्स परचेज करना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आप ले लीजिएगा। एलटी की तैयारी हम लोग 24-25 तारीख से शुरू करेंगे और आपकी टीजीटी पीजीटी की भी फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ताकि आगे एग्जाम जब आए तो हम लोगों को हड़बड़ी में पेपर की तैयारी ना करनी पड़े। और भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।